हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और अवेटेड अनाउंसमेंट के बारे में, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एब आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन रेलवेज के साथ एक स्टेबल और रेप्यूटेबल करियर बनाना चाहते हैं। हर साल ये एग्जाम लखनऊ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है और इसके पीछे का रीजन है इसकी प्रेस्टीज और जॉब सिक्योरिटी। अपडेट के हिसाब से इस साल आरआरबी एनटीपीसी की एप्लीकेशंस प्रोसेस 14 सितंबर 2024 से शुरू होगी और लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024। तो ये डेट्स अपने कैलेंडर में नोट कर लें। एग्जाम नेम है आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबीज द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और इसका लेवल नेशनल है। ये एग्जाम एनुअली होता है और इस बार टोटल वैकेंसीज हैं 11,558। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स को क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करनी होगी। ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स को बैचलर्स डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एज लिमिट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए 18 से 30 साल, ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए 18 से 33 साल। नोट, एज रिलैक्सेशन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस कुछ स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला स्टेज है फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटीज असेस करता है। ये इनिशियल स्क्रीनिंग है जो कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट करती है। दूसरा स्टेज है सेकेंड स्टेज सीबीटी। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज पास करते हैं उनको एक डिटेल्ड और चैलेंजिंग टेस्ट देना होता है। ये स्टेज सेम सब्जेक्ट्स को हायर डिफिकल्टी लेवल पर इवैल्यूएट करती है। टीम टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीबैट। पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को टाइपिंग प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड डेमोंस्ट्रेट करना पड़ सकता है। 4. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए प्रेजेंट करना होता है। 5. मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो पोजीशंस के लिए हेल्थ स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। अब बात करते हैं इन एग्जाम फी की स्ट्रक्चर के बारे में। एप्लीकेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹500, रिजर्व्ड कैटेगरीज पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससीएसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ₹250। किन्नैथी अप्लाई करने का प्रोसेस भी सिंपल है। ये स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट विजिट द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट एट indianrailways.gov.in। नेक्स्ट फाइंड द एप्लीकेशन लिंक फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024। फाइनली रजिस्टर बाय एंटरिंग योर बेसिक डिटेल्स टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। 4. फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल, एजुकेशनल or other required information accurately fill Kareem. 5. Upload documents. Scanned copies of your photograph, signature, or other required documents upload Kareem. Pay the application fee. Available online payment options ka use karke application fee pay karein. 7. Submit and print application submit karein aur future reference ke liye ek copy print kar lein. Toh doston, ये था आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 का कंप्लीट गाइड। नोटिफिकेशन के अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।